कोरोना वायरस। दुनिया का कोई भी इंसान ना हो जो इस वायरस से वाकिफ ना हो। तो चलिए जानते हैं इस वायरस के बारे में। ये जो कोरोना वायरस है जो लोगों के बीच बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और इस वायरस का सिम्पटम 88% फीवर और 68% सूखी खांसी होते हैं। और भी सिम्पटम्स हैं जैसे पेन और थकावट। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं उसे रेस्पिरेटरी इलनेस होते हैं, और ठीक भी होते हैं तो विदाउट वैक्सीन और मेडिसिन के द्वारा, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, फ्यूचर में शायद बन जाए। और जो ओल्डर पीपल हैं और उन्हें कुछ प्रॉब्लम है जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हृदय रोग, डायबिटीज़ या कैंसर, तो उनका क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, मे बी डेथ भी हो सकती है। अगर इस कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा और जाने तो इस वायरस का साइंटिफिक नाम ऑर्थो कोरोना वराइन और कोरोना वराइन है। इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि इसका जो आउटर अपीयरेंस एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो 120 नैनोमीटर तक होती है। कोरोना वायरस को सबसे पहले खोजा गया था 1930 में। ये वायरस मुर्गियों में हुआ था जो IBV यानी इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस वायरस के नाम से जाना गया, और 1940 में दो और दो से ज़्यादा वायरस आया जैसे MHV माउस हेपेटाइटिस वायरस और TGEV ट्रांसमिसेबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस। लेकिन ह्यूमन कोरोना वायरस खोजा गया था 1960 में, जिसके बाद में नाम दिया गया ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और ह्यूमन कोरोना वायरस 0C43। बट इसका सबसे बड़ा फर्स्ट आउटब्रेक आया 2003 चाइना में, जिसको SARS SARS के नाम से जाना गया, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV। इसमें 5000 लोगों में हुआ था जिसमें 774 यानी 774 लोग मरे थे। ये भी बैट से कैट और फिर ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ था। इसका सेकेंड आउटब्रेक आया 2012 सऊदी अरेबिया में, जिसको MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया, HCOV-EMC। इसमें 2494 लोगों का कंफर्म केस ऑफ इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें 858 की डेथ हुई थी। और अब इसका थर्ड आउटब्रेक आया चाइना वुहान दिसंबर 2019 में, जिसका नाम SARS-CoV-2 और COVID-19 दिया गया। ये वायरस बैट से पेंगोलिन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुई। इसका अभी करंट केस मोर देन 70 लाख पीपल और डेथ मोर देन 75,000 की हो चुकी है। फिलहाल तो अभी ये वायरस ऑल ओवर वर्ल्ड में कंटिन्यू है, और ये फ्यूचर में और भी बढ़ सकते हैं। और ये जितने भी वायरस हैं वो सभी एनिमल और बर्ड टू बैट टू ह्यूमन बॉडी ट्रांसफ़र होते हैं। इस वायरस को जिंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए, किसी दूसरे लिविंग बॉडी चाहिए जिसमें यह रह सके। और ये सभी वायरस डिजीज़ में एक चीज़ कॉमन कोल्ड और रिस्पिरेटरी इलनेस, और ये सभी वायरस एक ही कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ और वायरस हैं जैसे हनीप वायरस, निपो वायरस, हिंड्रा वायरस, लेसा वायरस, इबोला वायरस, मर्गवर्ग वायरस, ये सभी बैट से ही आते हैं। अभी COVID-19 का कोई भी वैक्सीन और ना ही कोई मेडिसिन निकला है, मे बी फ्यूचर में निकल जाएगी। फिलहाल तो इसका एक ही इलाज है कि आपको ना हो। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रह सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।